हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। हम लोग बढ़िया है गाइस। और यहाँ पर मेरी दिन की शुरुआत हो गई है और अभी मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा कर लूँगी। और तो गाइस, मेरा झाड़ू पोछा स्नान ध्यान सब हो गया। अभी आ गए मेरे रसोई रूम पे और देखिए यहाँ पे खाना बनाने लग गई हूँ। आज मेरा ना मतलब फटाफट हो रहा है क्योंकि मुझे आज मेरी बेटी की स्कूल पर जाना है और इसकी वजह से मैंने अभी फटाफट कर रही हूँ। और देखिए सब हो गया अभी मेरा। और अभी मैं आज सांभर बना रही हूँ और यहाँ पर कैप्सिकम है, बैंगन है, आलू है और ये सब डाल के मैंने और दाल भिगो के रख दिया है। और यहाँ पर मैं आलू डाल रही हूँ अभी। इस तरह बनाने से ना बहुत अच्छा सांभर बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। आज मैं बहुत दिन में बना रही हूँ और देखिए अभी मैं सीटी लगाई, बस एक सीटी में ना बहुत अच्छी बन जाती है। और यहाँ पे मैंने चावल भी रख दिया है और सब्जी बना रही हूँ मैं आज ना। मैं गांव की सब्जी बना रही हूँ, बस लास्ट बार मेरी गाँव की सब्जी बन रही है, उसके बाद फिनिश हो गया मेरा। और ये है मूली, है मूली सूखा वाला मूली है, मैंने भिगो के रख दिया था, अच्छे से वॉश कर लिया है। इसकी सब्जी ना बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। बस आज ख़त्म हो गया है और मैं ये बहुत दिन से बनाए नहीं, इसकी वजह से बचा है ये। बहुत कम बना थी, थोड़ा ही लेके आए थे और थोड़े थोड़े बार मतलब दो तीन बार ही बनाया मैंने, ज़्यादा नहीं बनाया। मेरे बच्चे टिफिन में भी लेके गए ना स्कूल में, सबको पसंद आया, बोले थे आपके गाँव की सब्जी ना बहुत अच्छी है करके। और मेरा बेटा भी लेके गया, उसको भी ऐसे ही बोले थे, मेरी बेटी को भी यही बोले थे। और आज मैं बना रही, दोनों लेके जाएंगे। और तो गाइस अभी मैंने कपड़े वगैरह साफ कर लिए हैं, अभी मैं यहाँ पर कपड़े डाल रही हूँ। और मौसम तो बहुत ही सुहाना हुआ है, बहुत खिली खिली धूप आई है। और देखिए अभी मैं कपड़े वगैरह, और मेरा आज जल्दी हो गया नहीं तो मैं 9 मतलब 9:30 बजे इस तरह धोती हूँ कपड़े। और देखिए आज मैंने जल्दी धो ली है, और क्योंकि स्कूल में जाना है तो फिर आने के बाद ना अच्छा नहीं लगता ये सब करना। और उसका ना मतलब 8:30 बजे से 11 बजे रिपोर्ट कार्ड है, मैं जल्दी चली जा रही हूँ। तो गाइस अभी मतलब 9:45 हुआ है और अभी मैं जा रही हूँ मेरी बेटी के स्कूल में जा रही हूँ। आज मेरी बेटी के स्कूल में ना उसका रिपोर्ट कार्ड है और उसके स्कूल में जा रही हूँ और पेरेंट्स मीटिंग है। और तो गाइस अभी मैं स्कूल में जाती हूँ और देखिए मेरा अभी पूरा काम हो गया है। और यहाँ पर मैंने सुबह झाड़ू पोछा सुबह हो जाता है मेरा। और यहाँ पर देखिए पूरे किचन वगैरह मैंने साफ कर लिया है और वहाँ चावल का कुकर है, गर्म पानी डिक्ची है तो मैंने उसके ऊपर रखा है। देखिए पूरा सब साफ क्लीन कर दिया है और ये कढ़ाई मैंने धो के रखा है और देखिए इस तरह क्लीन हुई है। और इसको ना अच्छे से पूछ के मैंने यहाँ सूखने के लिए रखा है, इसको मैं इस तरह कर दूंगी। तो गाइस मैं अभी स्कूल में जाती हूँ। तो गाइस मैं अभी स्कूल में जाती हूँ, फिर मिलती हूँ, क्योंकि ना मैं मोबाइल नहीं लेके जा रही हूँ और दूसरा मोबाइल ले जाती हूँ उसमें ना आवाज़ अच्छी नहीं आती है। तो गाइस अभी स्कूल में जाती हूँ। ये वाला मोबाइल लेके जा रही हूँ पर इसमें ना अच्छे से नहीं बना पाती हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं चर्च के पास पहुंच गई हूँ और यहाँ पर मैं पैदल ही जा रही हूँ, बस पास में ही है और 5-10 मिनट लगते हैं, मैं अभी पहुँच जाएंगी कुछ टाइम पे। और देखिए यहाँ पे पहुँची अभी चर्च के पास और अकेली जा रही हूँ मैं। और मेरा बेटा स्कूल गए हैं और आंसू पापा को तो उनको टाइम नहीं है, छुट्टी भी नहीं था, मतलब वो चले गए ड्यूटी। और देखिए अभी मैं पहुँच गए यहाँ पर। यहाँ पे ना तालाब है और जो रेड वाला दिख रहा है वही मेरी बेटी का कॉलेज है। और यहाँ पे ना बहुत बड़ा तालाब है और गणपति जी का विसर्जन ना यहीं पे करते हैं। और यहाँ पे ना बाहर से ही दिखा रही हूँ और स्कूल में तो नहीं बना पाऊँगी, वीडियो वगैरह में नहीं बनाऊँगी। और देखिए बाहर से ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। बस यहाँ पे ना कॉलेज अलीवन और 12th है, 2 क्लास है। और देखिए अभी मैं जा रही हूँ और सारे लोग आ रहे जा रहे, कोई आ रहे कोई जा रहे। और यहाँ पे ना इस जगह का तालाब के नाम से ही जाना जाता है। और इधर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ना वॉकिंग करने के लिए भी आते हैं शाम को बहुत सारे लोग, बैठने के लिए भी बनाया है और बैठते भी हैं यहाँ पे। और इधर बहुत मतलब वॉकिंग करने को आते हैं शाम को, अभी तो नहीं आते हैं बारिश की वजह से, बारिश ख़त्म हो जैसे अक्टूबर तक रहती है यहाँ बारिश, उसके बाद अक्टूबर के बाद तो और बारिश वगैरह कुछ नहीं
नहीं रहते गोवा में। और देखिए यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ स्कूल से, और यहाँ पे ना देखिए कितना एकदम क्लीन लग रहा है, बहुत ही साफ़ सुथरा एरिया है गोवा में ना। हर जगह आपको मतलब बहुत ही इसी तरह क्लीन दिखेगा, गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं रहती है, बहुत ही मतलब अच्छा जगह है गोवा। और देखिए कितना एकदम साफ़ सुथरा है। आज मैं अभी घर पे पहुंच गई हूँ, और देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा बिस्किट लेके आई रस्ते से, ये बिस्किट लेके आई, ये बिस्किट ना चाय के साथ बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं ये आलू भुजिया लेके आई, मतलब ये मूंग दाल लेके आई हूँ अपने लिए। और तो गाइस मैं अभी हाथ पाँव धोते पानी वगैरह पीती हूँ और चाय बनाती, मैंने ना सुबह चाय भी पी है, अभी मेरा मन कर रहा है चाय पीने का। और तो गाइस मैं चाय वगैरह पीती हूँ फिर बोलती हूँ। तो गाइस मैंने चाय वगैरह पी लिया है, और ये ना मैं मसूर दाल, गांव की मसूर दाल है ये मैंने रात को भिगा के रखा था, और सुबह मुझे टाइम नहीं मिला, मैं सीधे वहाँ चली गई थी। और अभी मैं इसको ना अच्छे से मतलब छान रही हूँ पानी से, इस तरह पानी से छानने से ना मतलब कुछ भी मतलब पत्थर वगैरह कुछ भी रहेगा ना वो मतलब नहीं लगते हैं, सब नीचे रह जाते हैं। और देखिए मैं इस तरह छान रही हूँ, और इस तरह करने से ना बहुत अच्छा मतलब साफ हो जाता है। गांव की दाल रहती है ना थोड़ा और ये रहता है, उसमें पत्थर वगैरह रहने का डर रहता है, और देखिए पत्थर तो ज़्यादा नहीं है। इस तरह करने से ना बहुत साफ हो जाता है, और इस तरह बना के रखने से भी इजी भी पड़ता है काम भी, और जब चाय बना सकती हूँ मैं। तो गाइस अभी बज रहे 6 और अभी हम छत पर आ गए, और मैंने चाय वगैरह बनाया और पी के आ गए हम लोग। और मैंने भी उस टाइम चाय वगैरह पीने वक्त मैंने नहीं बनाया ब्लॉग, क्योंकि मेरे मोबाइल चार्ज में था, मैं नहीं बना पाई। और देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और शाम के टाइम ना थोड़ा अभी बारिश नहीं है तो हम लोग आ गए, थोड़ा जाना चाहिए बाहर शाम के टाइम अच्छा लगता है, और क्योंकि पूरे दिन अंदर ही अंदर एकदम बोरिंग सी हो जाती है। और देखिए यहाँ पर नारियल इतने सारे लगे हैं, और ये इस तरफ ना ये दिख रहा है यहाँ पर जोगस पार्क है, और चिकालिम ग्राम भी इसी तरफ है। और मैं मेरे बेटे को ना लेके जाती हूँ यहाँ पे पार्क वगैरह है, और अभी तो नहीं बारिश में नहीं जा रहे हैं, बहुत दिन से गए नहीं। तो गाइस अभी घर पे जाते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी मैं रात का खाना बनाने लग गई हूँ, और यहाँ पे मसाला बनाया है मैंने भरवा करेला के लिए, आज मैं भरवा करेला बना रही हूँ। और मेरा दाल पहले से है, चावल बना रही हूँ मैं। और देखिए अभी रात का खाना बनाने लग गई हूँ, और करेलों को ना मैंने पहले ही बॉयल करके रख दिया था, अभी इसमें मसाला बनूँगी। और तो गाइस अभी आगे का वीडियो तो मैंने बना नहीं पाई, और तो गाइस अभी वीडियो एंडिंग में यह करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।